nie. Bo Sergio da ten gierza, szatki da ten gierza. Jest milione! Ja mi rani! Tylko zbiro ona na ta jej zos, tylko ci kaj ama tu mier, kiołki zane zari nie. यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात रावलपिंडी कैंपस की डायरेक्टर ने तालिबात के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। आलिया सुहेल कहती हैं उरूज की तबीयत रात को खराब नहीं हुई थी, अस्पताल ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी की गफलत साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। हॉस्टल वार्डन से हिरासत, तहकीकात के लिए दो कमेटियां तश्कील, वजीर आला पंजाब का नोटिस, इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। ना कोई मर्डर अटेम्प्ट है और ना ही कुछ है, ये एक नेचुरल डेथ है। बच्चियां हैं, उनके बयानात सुबह पुलिस ने लिए हैं। उस बच्ची की तबीयत रात को ख़राब नहीं हुई, कोई ऐसी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई कि जो है उसको हॉस्पिटल जाने की जो है उसकी तरफ से उसकी कोई रिक्वेस्ट आई हो। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात रावलपिंडी कैंपस की डायरेक्टर ने तालिबात के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। आलिया सुहेल कहती हैं उरूज की तबीयत रात को ख़राब नहीं हुई थी, अस्पताल ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी की गफलत साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। हॉस्टल वार्डन जेरे हिरासत, तहकीकात के लिए दो कमेटियां तश्कील, वजीर आला पंजाब का नोटिस, इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके सईदाबाद में निजी स्कूल के करीब फायरिंग, 8 साल बच्ची शदीद जख्मी, इदारा बराए अमराज इतफाल में जेरे इलाज। डॉक्टर्स का कहना है बच्ची की कमर में गोली लगी है जो आर पार हो गई, फेफड़े भी शदीद मुतासर हुए। अक्सा की हालत तश्वीशनाक है, वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया है, होश में आने के बाद ऑपरेशन किया जाएगा। कराची की नेपियर रोड से 8 माह की बच्ची के अगवा का ड्रॉप सीन, बच्ची पुरइसरार हालत में लापता हुई, मां ने अपनी बच्ची को खुद रिश्तेदार के हवाले किया और घर वालों को लाइल्म रखा। डीआईजी साउथ जावेद आलम कहते हैं कराची से लापता होने वाले 146 में से 120 बच्चे मिल चुके हैं, बच्चों के अगवा के मामले में सबको जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल। अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का मिशन जारी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 11 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। दहशतगर्द तालीमी इदारों की तबाही, शहरियों के कत्ल समेत मुसल्ला अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्वस हैं। पाक फौज के 6 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की, तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल शाहीन मजहर, मेजर जनरल नदीम जकी शामिल, मेजर जनरल अदरान और वसीम अशरफ भी लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। अरसलान इफ्तार और इफ्तार चौधरी साहब जो है उनका नाम जो है वो नैब के अगर उसमें आएगा वो गिरफ्तार भी होंगे और जेल भी जाएंगे और जाना भी चाहिए उनके, माशाल्लाह बाकी भी मामला जो है वो खुलेंगे। ईडन हाउसिंग स्कैंडल, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साहबजादे अरसलान इफ्तिखार को हिरासत में लेने का फैसला, दुबई में गिरफ्तार दामाद को वतन वापस लाने की भी तैयारियां। वजीर इत्तला'आत का कहना है कि केस में खुद इफ्तिखार चौधरी का नाम भी आया तो धर लिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने सियासतदानों का मजाक बनाकर रख दिया, तैमूर तालपुर ने सेनेट इंतखाबात में वोट खरीदने का एतराफ किया। इलेक्शन कमीशन को तैमूर तालपुर के बयान का नोटिस लेना चाहिए। गैस और पेट्रोलियम पर टैक्स का मामला, सुप्रीम कोर्ट में अफसरान की भारी तनख्वाहों पर वजीर पेट्रोलियम से जवाब तलबी, PSO से ऑडिट रिपोर्ट की तफसीलात मांग ली, करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाने पर नैब की सरजनिश, रिमार्क्स दिए, कोई एक केस बता दें जो नैब ने अंजाम तक पहुंचाया हो, रेफरेंस नहीं बनता तो लोगों को रिहा कर दें। LNG मनसूबे पर शफाफियत के हवाले से रिपोर्ट तलब, चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। अमेरिका ने अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया एलिस वेल्स का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, पाकिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें होने का इल्ज़ाम लगा दिया, कहा नई हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अदाकारा समीना पीरजादा बनी सुबह सवेरे समा के साथ की मेहमान, सनम बलोच से की दिल की बातें, जिंदगी की दौड़ में क्या खोया क्या पाया, सुनहरी पल शेयर किए।
और कौन बनेगा एशियाई क्रिकेट का चैंपियन? बांग्लादेश 2016 फाइनल की शिकस्त का बदला ले पाएगा या भारत सातवीं बार एशिया कप जीत जाएगा? फैसला आज होगा। दुबई में भारत और बांग्लादेश मध्य मुकाबला, भारत का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला।